Hello everyone, I am Sayyid Ashar and welcome back to my channel. Till last class, हम लोगों ने sleeves variation किया था और उससे पहले before that we did panelings and yokes variation. In paneling and yoke, we did princess line variation. Paneling and yoke is a very interesting topic. This actually gives the possibility of creating numerous designs. So we will be working more on this particular topic. Paneling and yoke हम लोगों को बहुत सारे designs बनाने की possibilities provide करता है. Actually this is the base of designing. तो आज हम लोग एक नए वेरिएशन के साथ स्टार्ट करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू वेरिएशन. विल मेक अ नाइस नेक लाइन, फॉर एग्जांपल दिस वन. एक अच्छी सी खूबसूरत सी नेक लाइन बनाएंगे और उसमें जो हम लोग वेरिएशन देंगे दैट विल बी something like this. Okay, this is a design of front और इसी के पीछे हम लोग back का design बना लेते हैं. Back में हम लोग neckline थोड़ी deep रखेंगे. And we can also provide some panelings and yokes as well. Okay, so this is the design of front pattern and this is the design of back. As we see, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा pattern symmetrical है, यानी कि अगर हम लोग half बनाएंगे तो राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट. दोनों में फ्रंट और बैक में बोथ हैव द सेम केस. सो व्हेन वी आर मेकिंग अ सिमेट्रिकल डिजाइन, जब हम लोग एक सिमेट्रिकल डिजाइन बना रहे होते हैं तो वी एक्चुअली मेक ओनली हाफ पैटर्न. सो एज वी कैन सी वी हैव आवर बेसिक बॉर्डर्स रेडी. वी नीड आवर बेसिक बॉर्डर्स और इसमें अब हम लोग अपने पहले फ्रंट पे काम करते हैं. फर्स्ट वी विल वर्क ऑन फ्रंट. एज पर डिजाइन वी कैन सी दैट हमारा एक योक इस तरीके से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है. इफ वी सी ओनली हाफ ऑफ द डिजाइन, अगर हम इस तरफ को बंद कर दें, छिपा दें, सो वी कैन सी दैट हम लोगों का एक इधर से एक अच्छी सी नेकलाइन आ रही है. देन वी हैव वन लाइन लाइक दिस, वन योक लाइन and then one yoke line over here and then we have this panel. So this is actually very easy. Dekhne mein complicated lag sakta hai, it may look complicated while seeing, but when we actually draw the lines on pattern, jab hum log pattern pe apni lines draw karte hain, it actually becomes very easy. Bahut hi aasan ho jata hai. So first of all, sabse pehle we are going to work on the neckline. So नेकलाइन के लिए हम लोगों को अपने नेक की विड्थ और नेक की डेप्थ दोनों को बड़ी करनी है. दोनों को हम लोगों को वी हैव टू इंक्रीज बोथ ऑफ इट सो दैट हमारा सिर चला जाए इसमें से, सो दैट आवर हेड पासेस थ्रू इट. सो व्हाट वी डू फर्स्ट, हम लोग HSP से यानी हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से विल गो इनसाइड, अंदर की तरफ आएंगे. और फॉर मी आई एम गोइंग 1 inches 3 blocks. That is fine. Going inside 1 inches 3 blocks from HSP is good enough. And then we have to decide how much you have to go down from front nape. आपको front nape से कितना नीचे आना है. So in this I prefer 3.5 inches. That is good enough. Now we can make a nice neckline. We'll try to copy this as it is.
tool I am using for this is known as French curve, and it actually helps, so you can buy one. Okay, so we can see that we have achieved our neckline as per the image. जैसा नेकलाइन चाहिए था वैसा यहाँ पर बन चुका है. अब दूसरी लाइन की बारी है जो कि यहाँ पर से आ रही है, एंड दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ योक. द सेकेंड लाइन इज ऑफ अ योक, और इसको हम देखते डिसाइड करेंगे, विल डिसाइड कि ये कितनी दूरी से हम लोगों को चाहिए. हम लोग चाहते तो इसको यहाँ से भी ले सकते थे, बट चूंकि डिज़ाइन हमने बना लिया है यहाँ से, तो विल मेक इट हम लोग यहाँ पर से ही बनाएंगे. तो देखते हैं ये कितना आ रहा है. दिस इज अबाउट 1 इंच 2 इंचेस, दिस इज अबाउट 2 इंचेस 3 ब्लॉक्स, 2 इंचेस 3 ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और 1 इंच इधर छोड़ देते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड. अब हम लोग को डिसाइड करना है कि यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे. तो हम लोग सेम प्रोपोर्शन में ही इसको बनाएंगे. विल गो अगेन 2 इंचेस 3 ब्लॉक्स, इसको यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है. विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, यहां पर से भी थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करेंगे. विल मेक अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू शोल्डर लाइन, एंड देन बाय यूजिंग आवर फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख करके वी विल मेक अ नाइस ब्यूटिफुल कर्व. Okay, so we have now achieved our second line. First was neckline, पहला neckline था जो हमने बना लिया. दूसरी neckline, second was this yoke line, वो हमने बना लिया. And the third one is this. So ये line बनाने से पहले एक चीज समझ लीजिए. Before making this line, let's understand one thing. Panelings and yokes हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इस dart को eliminate कर सकें और कुछ नया डिजाइन क्रिएट कर सके विदाउट डार्ट, बाय प्रोवाइडिंग सीम्स, जोड़ प्रोवाइड करके. डार्ट को खत्म करने का एक ही तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है, और ये है कि आप कोई भी एक लाइन अपने एपिक्स पॉइंट से गुजार दीजिए अपने पैटर्न के. आप अपने पैटर्न को 100 पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं, 1000 पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं, उसको वापस से जोड़ सकते हैं, लेकिन डार्ट खत्म करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कोई भी एक लाइन एपेक्स पॉइंट से गुजर रही हो. सो इन दिस केस हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से कर्व बना करके साइड सीम पर लगभग कहीं पर यहां पर खत्म करेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल एंड ओवर साइड सीम ओवर देयर, एंड दिस लाइन इज ऑल्सो टचिंग आवर एपेक्स पॉइंट. सो दिस इज what we are ready with. We have achieved our first line, we have achieved our second line, we have achieved our third line. Now it's time to mark all the parts and then cut it. So as we know hamari neckline hai, to ye wali part hamari cut ke hat jayegi, ye wali part humko hum logon ko cut ke hata dena hai. Hum log isko marking karenge ग्रेन लाइंस. आपको हर एक पैनल पे हर एक इस पर ग्रेन लाइन मार्क करना है. यू हैव टू मार्क ग्रेन लाइन ऑन ईच डिवीजन. जैसे कि पहले हमारा ये डिवीजन है, दिस इज वन डिवीजन, दिस इज दूसरा डिवीजन, दिस इज थर्ड डिवीजन, तीसरा. ओके, सो ग्रेन लाइन शुड बी पैरेलल टू सेंटर फ्रंट. Then all the parts, like this is shoulder line, this is center front, this is center front, side seam, armhole. So why we are marking each and every point, like center front, shoulder line, armhole, why? Because this is right now only 3 panels. But when you divide your panels in number of pieces, like 5, 6, 7, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा नेकलाइन है, कौन सा आर्म होल है. जब हम अपने पैटर्न को बहुत ज्यादा पीसेस में काट देते हैं तब ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है पहचानना कि कौन सा साइड सीन था, कौन सा सेंटर फ्रंट था. फॉर एग्जाम्पल,
हमारा ये शोल्डर लाइन और ये सेंटर फ्रंट दोनों एक जैसा लग रहा है, अगर हम लोग कट करके हटा दें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्क कर लीजिए नाम, यू नेम ईच एंड एवरी पार्ट एंड देन यू ऑल्सो पुट नॉचेस। ये इसलिए सो दैट वेन वी कट इट वी नो वेयर टू अटैच। नाउ वी आर गोइंग टू कट दिस, बिफोर कटिंग लेट्स मेक द बैक एज वेल, वेट फॉर द कटिंग पार्ट। वी कम टू बैक, we hide it one part and now we see that we need one line. Let's do this one. We need one line like this and then like this, something like this. Okay, here is a bit tricky one, but it's not that difficult, we'll make it. So सबसे पहले, first of all, the neckline. What we have to do, हम लोगों को अपना आर्म होल मैच कराते हुए शोल्डर लाइन को इस तरीके से लगा देना है. ओके, वी कैन सी दैट आवर नेक लाइन इज मैचिंग, आवर आर्म होल इज मैचिंग. वी पुट इट लाइक दिस एंड देन वी मार्क द नेक लाइन पॉइंट, जहां पर से पहले फर्स्ट, जहां पर से ये फ्रंट वाली नेक लाइन खत्म होती है या स्टार्ट होती है, वही पॉइंट हम लोग को मार्क कर देना है और फिर यहीं से हम लोग बैक की नेकलाइन को बनाएंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि फ्रंट और बैक का शोल्डर सेम रहे। ओके, वी हैव मार्क्ड द नेकलाइन। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि बैक की डेप्थ क्या रखनी है। सो डेप्थ ऑफ बैक कैन बी इंक्रीज इन बैक पैटर्न, हम वी आर कीपिंग इट एज 4 inches। नाउ वी कैन मेक द नेकलाइन। सो वी कैन सी वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट लाइन, हम लोगों को पहली लाइन मिल गई है। सेकेंड लाइन इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड वी विल ट्राई कि ये वाली लाइन हमारी डार्ट पॉइंट की लाइन को टच करती भी जाए। ओके, सो इन फ्रंट केस इट वॉज एपेक्स पॉइंट और द डार्ट पॉइंट, इन बैक केस देर इज नो एपेक्स पॉइंट, सो वी आर टचिंग थ्रू द डार्ट पॉइंट। Okay, this is, I think this is looking good. Okay, so now we have achieved our second line. You can see that I have little bit shifted it upwards so that it looks a little bit nice. ये हमने बहुत ही roughly बनाया था, so we can just ignore that. इसको थोड़ा सा हम लोग और नीचे कर सकते हैं, लाइक दिस, दिस इज नॉट गुड। एंड द सेकेंड लाइन इज ओवर हियर, दिस वन, और ये लाइन हमारी यहां पर मैच कर रही है, लाइक दिस। सो नाउ वी हैव समथिंग इंपॉर्टेंट दैट ये जो दूसरी लाइन है हमारी, दिस इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम दिस डार्ट, ये जो हम लोग थर्ड लाइन बनाएंगे ये डार्ट की तरफ से गुजर रही है। सो हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट, डार्ट को पहले हम लोग को फोल्ड करना है, उसके बाद हम लोग उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारी मार्किंग कर लें, ये नेक लाइन वाला पार्ट कट के हट जाएगा, वी आर नॉट, वी डोंट हैव टू मार्क ओवर देयर। ये हमारा ग्रेन लाइन, उसके बाद शोल्डर लाइन, सेंटर बैक, सेंटर बैक, साइड सीम, नॉचेस ओनली वन, इधर वाला जब बनाएंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। सो स्टार्ट कटिंग विद द बैक। ये लाइन, नेक लाइन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, ये दूसरा लाइन।
और ये तीसरी लाइन बनाने से पहले अब हम लोगों को इस डार्ट को पहले बंद करना है. वी हैव टू क्लोज दिस डार्ट बिफोर मेकिंग दी थर्ड लाइन. सो वी विल जस्ट परमानेंटली फोल्ड इट और क्लोज इट. इट हैज बीन क्लोज्ड और अब हम लोग तीसरी लाइन बनाएंगे. सो वी हैव नो ब्लॉकेज ऑफ डार्ट. डार्ट अब हमारे लाइन्स के बीच में नहीं पड़ रही है. सो वी विल जस्ट मेक लाइन नाइस कर्व समवेयर फ्रॉम हियर. और ये हमारी दूसरी नॉच मार्किंग होगी और हम लोग इस लाइन को भी कर्व कट कर देंगे. बट इस लाइन को कट करने से पहले वी हैव टू ऑल्सो मार्क this grain line over here. It should be parallel to center front. Okay, and this is armhole. Let's cut the front pattern as well. Neckline. Second panel काटने के बाद हम लोग इस dart को permanently close कर देंगे. Now we can see, हम लोगों का यहाँ we have a small corner forming over here. We are going to blend it. So this is it. ये हमारा front का design ready है. See, this is the first, this is the first part, this is the second part and this is the third part. Now अब कट की बात आती है तो जो जो हिस्सा ऑनफोल्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर फ्रंट है, इसको हम ऑनफोल्ड रख रहे हैं, और ये सेंटर फ्रंट है, इसको हम ऑनफोल्ड रख रहे हैं. ऑनफोल्ड क्या होता है ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है जब हम लोग प्रिंसेस लाइन वेरिएशन कर रहे थे. So you can go through that video and understand what is an onfold. So which one is onfold? That will be cut one. Cut one. Cut one का मतलब ये पूरा garment बनाने के लिए ये वाला pattern कितनी बार cut होगा? तो actually में सिर्फ एक बार. This one also for one time. ये हो जाएगा cut two, दो बार. एक बार इस side के लिए और एक बार इस side के लिए. अब हम लोग बैक का भी कर लें. सो दिस इज आवर नेक लाइन, सेकेंड पैनल एंड थर्ड पैनल. ओके, सो इसमें भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि ओपनिंग किधर रख रहे हैं. अगर ओपनिंग साइड सीम पे रख रहे हैं तो सेंटर बैक को अनफोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर बैक पर हम लोग ओपनिंग रखेंगे तो ऑनफोल्ड नहीं होगा. बट इन केस आई एम कीपिंग इट एज ऑनफोल्ड इन सेंटर बैक और साइड सीम पर हम लोग ओपनिंग देंगे, जिप वगैरह देंगे. सेंटर बैक इज ऑनफोल्ड. ओके, सो ये हमारा कट वन, ये कट वन, दिस विल बी कट टू. सो नाउ वी कैन सी बैक में भी हमारा ये पैनल अचीव हो गया, ये वाला दूसरा पैनल अचीव हो गया और ये तीसरा वाला अचीव हो गया. सो नाउ वी हैव अ डिजाइन समथिंग लाइक दिस. इसको हम लोग अलग अलग फैब्रिक पे ट्रेस करेंगे और सीम अलाउंस रख करके, स्टिचिंग का अलाउंस रख करके इसको जोड़ देंगे एंड दिस विल कम समथिंग लाइक दिस.
I hope you have understood this pattern development. This panelings and yokes is a tricky thing. थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, but at the end you can come up with very very interesting designs. I hope you all liked the video, understood it, and I also hope you are subscribing my channel. जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है, and you are also promoting this channel to those who are willing to learn pattern making in a very processed manner, in a very industry based manner. So till the time, keep watching, keep subscribing, and thank you very much.